योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीर राघव दयार द्रकृपावतारम् श्री जानकीश पद पद्म पराग भृंगम् श्री श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्री देशिकार्य घनश्याम गुरुम् नमामः। भगवान की असीम कृपा कि जो हम परम पद सोपान का चिंतन करके भगवान की कृपा के योग्य बनने के उपायों का चिंतन कर पा रहे हैं, क्या उपाय हैं जिनके द्वारा हम भगवान के श्री चरणों तक पहुंच सके। नवदा भक्ति के प्रकाश में चिंतन किया था पिछली बार, अब कैसा होना चाहिए भगवान के दास को, इसका चिंतन बहुत जरूरी है। वाणी से तो कई बार कह दिया जाता है कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन वास्तव में दास किसे कहते हैं, दास कैसा होता है? पांडव गीता में कहा गया, अहम ही नारायण दास दास दासानुदासस्य च दास दास है अस्त्यन्य ईशो जगतो नराणाम् तस्मादहं चान्यतरोऽस्मि लोके। पांडव गीता के 20वें श्लोक में कहा गया कि भगवान के जो दास हैं और उन दासों का भी जो दास है, उनके भी दास का जो अनुदास है, मैं तो उनका दास हूं। दासानुदास हूं। श्री वैष्णव परंपरा में तो सप्त पर्व दास भी माना जाता है, कहा जाता है। चरमावधि दास आलवारों से लेकर आज तक भी जो भक्त हुए, वे सीधे तौर पर यदि भगवान के दास नहीं बन पाते हैं तो वे तो कहते हैं कि भगवान का दास न सही, मैं तो भगवान के दास का भी दास बन जाऊं। भगवान के दासों की परंपरा में भी कोई दास बन जाऊं तो बस मेरा जीवन सार्थक है, मेरा जीवन सार्थक, भक्ति सार्थक, हर चीज सार्थक। किसी भी प्रकार से भगवान के दासों के द्वारा भी यदि भगवान से संबंध जुड़ जाए तो यह भी मेरा जीवन सार्थक करने वाला है। महाभारत में उल्लेख आया वाल्मीकि देश का, वाल्मीकि देश का ही नाम बिगड़ करके बाद में बन गया बल्ख, बल्ख बुखारा।
बल्ख देश का राजा था कोई, और जिस समय की बात है उस समय गुलामी की प्रथा वहां चलती थी। तो बल्ख देश के राजा के पास कोई गुलाम लाया गया, गुलाम भेंट किया गया उस राजा को। अब उस राजा ने उस गुलाम से पूछ लिया। राजा उदार था, राजा सरल था। वैसे तो मुश्किल ही होता है कि कोई सरल व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच पाए, लेकिन राजा सरल था, उदार था। तो राजा ने उस गुलाम से पूछ लिया कि तुम्हारा क्या नाम है। गुलाम ने कह दिया कि आप जिस नाम से पुकारें वही मेरा नाम, क्योंकि आप मालिक हैं, मैं आपका गुलाम हूं। तो मालिक जो नाम दे देवे बस वही गुलाम का नाम, गुलाम का खुद का क्या नाम। जो नाम मालिक दे देवे वही गुलाम का नाम। तो मेरा कोई नाम नहीं, आप जो नाम रख दे मेरा वही मेरा नाम। राजा ने फिर पूछ लिया कि तुम क्या खाओगे। गुलाम ने कहा कि मेरी क्या इच्छा, आप मालिक हैं, आप जो खिलाएं वही मैं खा लूंगा, मेरी क्या इच्छा। इच्छा तो स्वामी की होती है, इच्छा तो मालिक की होती है, गुलाम की क्या इच्छा। राजा ने फिर पूछ लिया कि तुम्हें कैसे कपड़े पसंद हैं। गुलाम ने फिर कह दिया कि मेरी कोई पसंद नहीं, आप मालिक हैं तो आप मुझे जो दे देंगे, आप मुझे जैसे कपड़े पहनाना चाहेंगे मुझे वैसे ही कपड़े पहनना पसंद है, मेरी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पर ही मेरी इच्छा है। राजा ने फिर पूछ लिया कि तुम्हें कौन सा काम करना पसंद है। गुलाम ने फिर कह दिया कि गुलाम की कोई इच्छा थोड़ी होती है, गुलाम की कोई पसंद नापसंद थोड़ी होती है, आपकी जो इच्छा होगी वही काम मैं करूंगा, मुझे कोई कार्य प्रिय अप्रिय नहीं है, आपको जो प्रिय होगा वही काम करूंगा मैं। अब राजा तो प्रसन्न हुआ और अपने सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया और कह दिया उस गुलाम से कि तुम तो मेरे उस्ताद हो, तुम तो मेरे गुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे सिखा दिया कि जो प्रभु का सेवक होता है उसे कैसा होना चाहिए, ये तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह बता दिया। प्रभु के सेवक की खुद की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, भगवान की इच्छा में ही उसकी इच्छा होनी चाहिए। सच्ची बात तो यही है, सच्चा दास तो वही है जो अपनी इच्छा भगवान पर न डाले बल्कि भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मानकर प्रसन्न रहे, अपनी इच्छाओं के हिसाब से भगवान को चलाना न चाहे, अपनी इच्छाओं के हिसाब से मनोतियां और बोलवा न बोले बल्कि भगवान के आदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाकर उसे अपना सौभाग्य समझे। यह जो पांडव गीता है, तो पांडव गीता वास्तव में एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है बल्कि कई ग्रंथों से लेकर भगवान की भक्ति के श्लोकों का संग्रह किया गया।
पांडव गीता में एक श्लोक कहा गया जो कि पांडव गीता में भी है और मुकुंदमाला स्तोत्र में भी है। श्री कुलशेखर आलवार रचित मुकुंदमाला स्तोत्र, और वह श्लोक गर्ग संहिता के 10वें खंड अश्वमेध खंड के 50वें अध्याय में भी कहा गया। मज्जन्मन फलमिदं मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। वहां गर्ग संहिता में कृपाचार्य जी कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान मेरे इस जन्म की इस जीवन की सार्थकता भगवान इसी में है, भगवान मेरी प्रार्थना भी यही है, भगवान मुझ पर आप जो कृपा करें उस कृपा के रूप में भी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर कैसी कृपा करें कि भगवान जो आपका सेवक हो उस आपके सेवक के सेवक का कोई परिचारक हो, नौकर हो, उसका भी कोई नौकर हो, सेवक हो, मैं तो उस सेवक के सेवक का भी सेवक बन जाऊं। भगवान बस आप मुझ पर यही कृपा कीजिए, किसी प्रकार भी मैं आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर लूं। भगवान यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है और यही भगवान आपकी कृपा है। कबीरदास जी तो भगवान से प्रार्थना करते हुए यहां तक कहते हैं कि भगवान मैं तो आपका सेवक बनने योग्य भी कहां, भगवान मैं तो आपके द्वार का कुत्ता भी बन जाऊं, आप मुझे अपने द्वार का कुत्ता बनने के रूप में भी स्वीकार कर लेवे तो भगवान मेरा जीवन धन्य धन्य है। कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। कबीरदास जी कहते हैं भगवान मैं तो आपके द्वार का कुत्ता, इसी में मेरा जीवन धन्य, मेरे गले में तो भगवान आपके नाम की रस्सी पड़ी है, मेरे गले में तो आपके नाम का पट्टा पड़ा है, जिधर आप खींच के ले जाएं मैं उधर ही जाऊं, मुझे कहीं बाकी जाना नहीं, आना नहीं, कुछ करना नहीं, भगवान आपके द्वार का कुत्ता बन गया तो बस मेरा जीवन तो उसमें ही धन्य है। लेकिन विडंबना क्या है दुनिया की, लोग भगवान का कुत्ता नहीं बनना चाहते हैं, लोग दुनिया का कुत्ता बनना चाहते हैं, लोगों की दृष्टि भगवान पर नहीं होती, लोगों की दृष्टि दुनिया पर होती है। कई बार देखेंगे आप लोग ऐसे फोटो कि लोग भगवान के पास में खड़े हैं लेकिन पास में खड़े होकर भी उनकी पीठ भगवान की तरफ होती है और मुंह कैमरे की तरफ होता है। दृष्टि भगवान पर हो तो सार्थक है, दृष्टि संसार पर है तो फिर भगवान के पास में खड़े रहो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। दृष्टि कहां है, भगवान के श्री चरणों की तरफ है या दुनिया की तरफ है। लोग भगवान का कुत्ता नहीं बनना चाहते, दुनिया का कुत्ता बन के घूमते हैं इधर से उधर। जो कोई टुकड़ा डाल दे उसके सामने पूंछ हिलाते रहते हैं, उसकी चमचागिरी करते रहते हैं,
जिससे कुछ मिलने की आस हो उसकी चापलूसी करते रहते हैं। कई बार तो भगवान के नाम पर कई तरह के व्हाट्सएप ग्रुप भी बने रहते हैं, लेकिन उन ग्रुपों में लोग भगवान को जानने के लिए इकट्ठा नहीं होते। वहां भगवान की चर्चा होनी तो दुर्लभ है, वहां तो बस प्रतीक्षा करते हैं लोग कि कब कोई टुकड़ा डालने वाला आएगा और कब पूंछ हिलानी है, इसी में लोगों का ध्यान रहता है। लोग भगवान के लिए तो अपने शरीर का बाल भी हिलाने के लिए तैयार नहीं, और जहां से कुछ मिलने की आस हो वहां तो पूरे शरीर को हिलाते रहते हैं। ये भगवान के दास का स्वरूप नहीं है। भगवान का दास भगवान के लिए कार्य करता है। भगवान का दास अपना हर कार्य हर व्यवहार भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, और चाहे मंदिर पहुंच जाओ चाहे जहां पहुंच जाओ, यदि दृष्टि संसार पर है तो फिर वह दास नहीं है, भक्त नहीं है। जगह से फर्क नहीं पड़ता है, आप कहां हो इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि आपकी दृष्टि कहां है, आपका लक्ष्य क्या है। संस्कृत के नीति शास्त्र में कहा गया, एक ग्रंथ है कविता मृत कूप, कि कविता के अमृत का कुआं, उसका अर्थ हुआ पुस्तक का कविता मृत कूपम, कविता के अमृत का कुआं। उसमें कहा गया आशा यहा ये दासाहा ते दासाहा सर्वलोकस्य, आशा येषां दासी तेषां दासा यते लोक है। जो लोग संसार की आशा रखते हैं कि वो मुझे ये देगा, वो मेरा ये काम करेगा, उससे मुझे ये मिलेगा, जो संसार की आशा के दास हैं वो सारे संसार के दास हैं, क्योंकि उन्हें उन लोगों की परवाह रहती है इस बात की कि वो नाराज ना हो जाए, उससे मुझे मिलने वाला है वो मिलना न रुक जाए, बस संसार की ही आशा रहेगी तो सारे संसार की गुलामी करनी पड़ेगी। और जिसने संसार की आशा का त्याग कर दिया, जो केवल और केवल भगवान के श्री चरणों की सेवा करने की आशा रखता है, उसके लिए तो सारा संसार उसका दास बन जाता है। जिससे चाहिए उसके सामने झुकना पड़ेगा, उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी, और उसमें दोनों का पतन है। जिसकी चापलूसी करोगे उसका अहंकार बढ़ेगा, और खुद चापलूसी करोगे तो आपका स्वाभिमान नष्ट होगा। और दूसरी बात यह भी कि गुलामी दो जनों की नहीं होती। यदि आप संसार की गुलामी करेंगे तो भगवान की गुलामी कैसे करोगे, भगवान के दास कैसे बनोगे? यदि आप संसार के दास हैं तो भगवान के दास कैसे हो सकते हो? दोनों बातें तो बिल्कुल विरुद्ध हैं। जो भगवान का दास है वह भगवान के अलावा और किसी की प्रशंसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जीभ तो भगवान की स्तुति करने के लिए ही निश्चित हो चुकी। उसकी तो हर क्षमता, भगवान के सच्चे दास की तो हर क्षमता केवल और केवल भगवान के लिए होती है। और जो संसार से कामना रखेगा वो तो संसार को खुश करने में ही उसका समय बीतेगा या चिंतन बीतेगा, तो भगवान की स्तुति करने का उसे अवसर कहाँ है।
कैसी कैसी विडंबनाएं होती हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में एक वेश्या का उदाहरण भी दिया गया और उसके बारे में कहा गया कि जब तक वह पिंगला नाम की वेश्या जब तक संसार की कामना में उलझी रही तब तक वह परेशान रही और बाद में उसके मन में ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, अरे मैंने संसार की कितनी कामना की, संसार का कितना चिंतन किया, कितनी प्रतीक्षा की इसकी उसकी पता नहीं किसकी, अरे इतनी प्रतीक्षा यदि मैंने भगवान की होती, यदि इतना चिंतन मैंने भगवान का किया होता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। यहां ये शब्द खराब लगेगा कि एक वेश्या का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन वह वेश्या भी धन्य थी। वह कौन वह कि जिसने पश्चाताप किया, अपने जीवन के बारे में पुनः चिंतन किया, जिसने अपनी गलती को समझा कि संसार से कामना नहीं करनी, संसार का चिंतन नहीं करना, तो सही बात है, उसका जीवन धन्य है। लेकिन जो लोग जानते बूझते भी अपनी आत्मा को ही बेच डालते हैं, जो लोग भगवान की सेवा करने की बजाय लोगों के पर्सनल ट्रीटमेंट में उलझे रहते हैं कि इसको खुश कर लूं उसको खुश कर लूं, वो कौन सा दास, वो कैसा दास, वह संसार का दास, वह भगवान का दास नहीं। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, आशा पाशम परित्यज्य सुखम स्वपिति पिंगला। पाश कहते हैं जिससे बांधा जाए। तो जब तक यदि कोई व्यक्ति आशा के बंधन में बंधा है तब तक वह तो दुखी ही होता रहेगा। संग्रह कर ले धन संपत्ति का, बड़ा नाम कर ले, लेकिन चैन तो नहीं है, जीवन तो सार्थक नहीं है, वह तो केवल गिनतियां हैं और गिनती तो गिनती रहेगी। कितने भी बड़ी गिनती हो उसकी सीमा है, उस गिनती जिसे गिना जा सके वह असीमित नहीं है, जिसे भी गिना जा सके उसकी सीमा है। असीम तो केवल परमात्मा है और भगवान की प्राप्ति, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति, भगवान का दास बनकर भगवान की सेवा का सौभाग्य, इसी में जीवन सार्थक, इसी में जीवन सफल। और यहां भी बात वही है, कभी कहूं चाहे न कहूं परंतु सारी बात यही है कि हमें किसी और का चिंतन नहीं करना है, औरों से सीखना है कि हमें क्या करें, हमें क्या करना, हमें क्या नहीं करना, बस हमें वही करना जिसके द्वारा हम भगवान का दास बन सकें, हम अपने कर्तव्य का चिंतन करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। आगे की बात फिर आगे। जय श्री मंदारा।